हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, यानी कि ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, ठीक है, इज इंटरसेप्ट बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, एट पॉइंट एम, है ना, कहाँ है, तो यहां पर आपको दिख रहा है पॉइंट एम है, ठीक है, ए और बी, ए यहां है और बी यहां है, ठीक है, एट द पॉइंट एन, है ना, एम एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट एन। एन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, एम यहां हो गया, एन एन अच्छा यहां पे है, एन यहां पे हो गया, ठीक है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर, ठीक है, पी ये हो गया और क्यू ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू ए बी, हाँ ठीक है। एंड आर, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ठीक है, एट आर एंड मीट्स द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, 6 यूनिट हमें दिया है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन इन द डायग्राम एट एस। अब एस कहाँ है भाई, पी क्यू, पी क्यू, अच्छा यहाँ पे छुपा हुआ है, ये हो गया आपका एस। तो सारा का सारा पॉइंट दिया है, ए पार्ट में दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ एम एंड एन, अच्छा एम और एन का कोऑर्डिनेट बताना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। कोऑर्डिनेट बताना तो सबसे सिंपल है भाई, है ना, दुनिया का सबसे सिंपल काम है कोऑर्डिनेट बताना, ठीक है। आ जाओ बताते हैं इसका कोऑर्डिनेट। टोटल 5 मार्क्स के ये हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ये 1 मार्क्स, 1 मार्क, 1 मार्क और ये 2 मार्क्स का होगा, ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है। बट चलो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ए पार्ट में देखें तो एम का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एम ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है -1, है ना, पहले एक्स एक्सिस लेते हैं और फिर वाई एक्सिस, तो -1, 0, ये हो गया एम का कोऑर्डिनेट। उसके साथ साथ एन का कोऑर्डिनेट बताना है, एन का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर है, पहले एक्स एक्सिस है किस पे, वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई का वैल्यू -1, तो ये हो गया एन का कोऑर्डिनेट। बी पार्ट में आते हैं, बी पार्ट में दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ एस, है ना, एस का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, एस था कहाँ, यहाँ था, यहाँ वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पे एक्स हमारा 0 होता है ना, और वाई का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो ये हो गया हमारा एस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल फॉर्म में 2 नंबर तो एकदम आसानी तरीके से आपने लूट लिया है, ठीक है। सी पार्ट में, और सी पार्ट से अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज स्लोप ऑफ ए बी, है ना, स्लोप ऑफ ए बी आपसे पूछा गया है। आ जाओ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, ए बी का स्लोप, है ना, स्लोप ए बी आपको फाइंड आउट करना है, स्लोप ए बी। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है ना, 2 पॉइंट्स यानी कि आपको पॉइंट ए गिवन है इतना है, पॉइंट बी गिवन है आपके पास इतना है, बाकी इसको मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ, ए पॉइंट आपको गिवन है और बी पॉइंट आपको गिवन है, तो जब 2 पॉइंट गिवन होता है उसका स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब पहले कौन दिया है, a दिया है, तो a जो है इसको आप सपोज कर लोगे x1 y1, और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा x2 y2, क्या हो जाएगा, x2 y2, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब इज इक्वल्स टू y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है, देखो वहां पर 2 दिया हुआ है ना, तो 2 - y1 का वैल्यू कितना है, दैट इज -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 - x1, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू देखो है -3, -3, -x1, x1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, कितना है, दैट इज 2, तो ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज 1/5, है ना, यानी कि स्लोप ए बी इसका वैल्यू कितना आया है, दैट इज हमें 1/5 देखने को फिलहाल तो मिला, ठीक है। क्या यहां हमने सही किया, एक सेकंड में इसको चेक कर लेते हैं, y2 का वैल्यू 3, y1, अच्छा फॉर्मूला में माइनस था और y1 का वैल्यू भी -3 था, तो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हमने यहां पर गलत आंसर लिखा है, ये हमारा 1/5 नहीं होगा बल्कि कितना होगा, 5/-5, है ना, नीचे भी माइनस होगा, बहुत खतरनाक मिस्टेक हो गया हमसे।
तो ये हो जाएगा कितना, -5/5 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, डेट इज -1 के इक्वल आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक था, आई होप कि ये आपने समझ लिया होगा। आप बोल भी रहे होगे बट आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज डी पार्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, है ना। पी क्यू देखो यहां पर आपको पी देखने को मिल रहा है, यहां पर आपका पी है और क्यू आपका यहां पर है, ठीक है। तो पी और क्यू के बारे में बात करें तो पी का एक पॉइंट दिया है 6,0, है ना। पी पे एस पॉइंट दिख रहा है और आपका सिंपल फॉर्म में क्यू आपका दिख रहा है -6,0, है ना। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। जैसे अगर आप इसको बनाना चाहो ना, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। कुछ मिट गया क्या, ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा बी पार्ट मिट गया था, ठीक है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना है क्वेश्चंस को, अगर कॉम्प्लिकेट अगर सिंपल फॉर्म में है तो सिंपल फॉर्म में उसे आप बना दोगे। जैसे पी क्यू लाइन पे दो पॉइंट आपको दिख रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो पी क्यू का पूछा है, आ जाओ लिख देते हैं उस पे पॉइंट कौन कौन से हैं। एक है डेट इज 6,0,6 है, अगर ये कोऑर्डिनेट आप लेते हो तो कितना है 0,6। तो एक पॉइंट है ना ये सी था और हम लोग डी पे चल रहे हैं। डी पे दो कोऑर्डिनेट समय दिए हुए है, एक दिया हुआ है 0,6, पी क्यू बोला ना, तो पहले पी लेंगे और उसके साथ साथ क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है, डेट इज -6,0, है ना। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, ये वैल्यू हमने यहां पर लिया है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू आपको बताना है। देखो अगर आपको इक्वेशन बताना होता है ना किसी लाइन का, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज y-y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x-x1, है ना। ये आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप पुट कर दो, इसको आप सपोज कर लोगे x1 y1 और इसको सपोज कर लोगे क्या x2 y2, है ना। इसको आप सपोज कर लोगे, अब y y का वैल्यू कितना है, y का तो y के टर्म्स में आंसर आता है -y1, y1 का वैल्यू 6 है ना, देख सकते हो ऊपर में 6 है, इज इक्वल्स टू m। अब आपको m निकालना होगा और स्लोप तो आपको पता है नहीं, है ना, स्लोप तो आपको गिवन है नहीं, लेकिन दो पॉइंट्स के लिए स्लोप का फॉर्मूला अगेन आपको पता है, क्या होता है y2 - y1, है ना, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये आपको देखने को मिलता है, इज इक्वल्स टू x-x1। x1 का वैल्यू कितना है ढूंढो, यहाँ पे देखो क्या x1 का वैल्यू कितना है, 0, डेट इज कितना हो गया 0। अब इसे आप सॉल्व कर दोगे, आंसर जो है फटाफट से आपके पास चल कर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, y-6 इज इक्वल्स टू y2 - y1, यानी कि 0-6 डिवाइडेड बाई x2 - x1, यानी -6 - 0, है ना। x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू आपको ऊपर में गिवन है, फिर ये हो गया इंटू क्या x-0। तो ये हो गया y-6 इज इक्वल्स टू -6/-6 इंटू x, है ना, ऐसा हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 देखने को मिल जाएगा। तो आ जाओ इसको हम लोग इधर फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डेट इज y-6 इज इक्वल्स टू x, है ना। या फिर अगर आप इसे बनाओ, ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब पलट सकते हैं, यानी इसको इधर ला सकते हैं और y-6 को इधर ले जा सकते हैं। अब दोनों को पकड़कर इधर लाओगे तो सिंपल फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में आपको देखने को लगा x y को पकड़ के इधर लाया तो माइनस, और -6 है इधर हमारे पास आया तो +6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये एक्चुअल में आपका आंसर देखने को मिला, यानी कि इक्वेशन ऑफ द लाइन देखने को मिला किसका, डेट इज पी क्यू का, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े ही प्यारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका आप सॉल्व कर सकते थे, है ना, एक और तरीका आप कैसे मतलब रूल फॉलो कर सकते थे, ये भी आप देख सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूं, आप दोनों कर सकते हो, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था क्वेश्चंस को, बस इसीलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। देखो अभी कुछ देर पहले आपने ए बी का स्लोप निकाला था और पी क्यू क्या है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और दोनों का मल्टीपल कितना आता है, m1 m2 कितना आता है, इज इक्वल्स टू -1 जब वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका स्लोप आपको पता है, दूसरे का स्लोप आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर लाइन ए बी का स्लोप था कितना, -1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू कितना, -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो
एम टू का स्लोप आपके पास आ गया था 1, है ना। एम टू का स्लोप कितना आ गया था, 1 आ गया था। डायरेक्ट पुट कर दो आंसर निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम टू का स्लोप यानी कि यही पी क्यू का स्लोप आपका निकल गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या दिख रहे हैं आपको, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। पैरेलल के केस में क्या होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा, एक का स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये आप हमें बता दोगे। तो यहां पर भी आप देखोगे तो एक्चुअल में स्लोप कितना आया, 1 ही आया है ना। ऐसे भी हमने पुट किया तो स्लोप तो 1 ही आएगा, -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा। तो देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है।